वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग। आप सबको पता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल, लॉकडाउन भी है, कोरोना वायरस भी है। इस वजह से बाहर के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, घर से नहीं निकल सकते। हम बाया जान घर, हम तो गाँव के लोग हैं। एक मिनट, बाजार जाते हैं, शाम को निकलते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, इतनी दूर नहीं जाते, फिर भी बॉर्डर जो है बॉर्डर हम क्रॉस नहीं करते। इस वजह से इस कोरोना वायरस में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अपने काम संभाल रहे हैं कि बस इस छुट्टियों में हम काम कर ले, बस जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो हम फारे होंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने नौकरियों के लिए। तो हम भी फारे हो गए, हमारे घर में जितने काम थे वो भी हमने ख़त्म ही कर लिए हैं। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई घर में, तो चलो बनाते हैं आज की चिकन कढ़ाई। मैं क्या करता हूँ कि सिनेमैटिक शॉट जो है वो लेता हूँ ज़्यादातर, बट सिनेमैटिक शॉट बनाना, उसको एडिट करना बहुत टाइम लगता है। वीडियो अच्छी लगी आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब करें, अगर नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी, तो अगर नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। तो चलो चिकन कढ़ाई बनाते हैं, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी जो है हमारी कुकिंग स्टार्ट है, प्याज हमने डाली है, उसके साथ टमाटर और मिर्च। टमाटर के पीस जो है हमने छोटे छोटे कर दिए हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए, और चिकन जो है हमने छोटी छोटी पीस में काट ली है, उसके साथ नींबू भी रखे हुए मैंने, लेकिन ये डालेंगे पकने के बाद, तब इसकी टेस्ट जो है वो अच्छी आएगी। ये इसको हमने, ये जल ना जाए, तब ये जल जाए तो आपको जो है बाहर निकालने होंगे। प्याज जो है वो गल चुके हैं, अब हम जो इसे ये, अच्छा टमाटर हमने डाल दिए हैं, अब हम डालेंगे गोश्त, अब हम डालेंगे गोश्त। प्याज जो है वो थोड़े से जल गए इस वजह से, और कोई बात नहीं, थोड़े से जले हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। और अभी हम डालेंगे नमक, सॉरी अब हम डालेंगे पानी, जो है हमने 2 चम्मच डाल दिया है ताकि गोश्त जो है वो ही पक जाए, और मसाला हम डालेंगे ताकि मसाला जो है वो पक जाए। वैसे जब से लॉकडाउन हुआ है तो घर में जितनी भी काम है कुकिंग की वजह से वो मैं करता हूँ, कढ़ाई हो तो ज़्यादातर जो है हमारे घर में रोज़ जो है रोज़ चिकन ही बनता है, कई हफ्ते में एक बार सब्जी आ जाती है, और क्या होता है बस सब्ज़ी एक बार हफ्ते में होती है, होता तो ऐसा कि चिकन जो है हफ्ते में एक बार होता है और सब्ज़ी जो है हफ्ते में बस
चिकन ही हफ्ते में एक बार होता है। कढ़ाई अच्छी बनाता हूँ और भी काम अच्छी करता हूँ कुकिंग की बेस से। तो मम्मी कहती है कि आप प्यार से कुकिंग कर किया करो मेरा हमारे लिए, उसे रोटी बनाती है, हम यहाँ कुकिंग करते हैं। अच्छी बात है, मम्मी का हाथ बैठाना चाहिए, आप भी बैठाया करें अपनी मम्मी का हाथ। चिकन जो है हमारी हो गई तैयार, तो हम अभी इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए धनिया काटेंगे। धनिया जो है काफ़ी ख़राब हो गया इस बारिश की वजह से, जलाबारी की वजह से, बस थोड़ा थोड़ा सा था वो भी मैंने काट लिया है, छोटे से पीस में बना लिया है इसको। इसको कढ़ाई जो है वो बहुत मज़ेदार आई है, बहुत टेस्टी लग रही है। कलर जो है उसका थोड़ी सी रही है, इस कढ़ाई का कलर जो है वो बहुत अच्छा है। तो चलो जी हम इसको कहते हैं टेस्ट। अभी जो है खाना नहीं बना, खाना बनेगा तो खाएंगे, खाना फिर भी और टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी लग रही कढ़ाई, फिर भी अच्छी लग रही हमारी कढ़ाई, गर्म है। वाकई में इतनी टेस्टी बनी है। ये थी हमारी आज की रेसिपीज, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक चिकन कढ़ाई जो है वो पसंद आई होगी। और मेरा इतना एक्सपीरियंस फिर भी नहीं है, लेकिन मैं घर में बनाया करता हूँ, तो अपनी मम्मी का हाथ जो है वो आप भी बताया करें, मैं भी बताया करता हूँ, क्योंकि वो खाना बनाती है और मैं उनके लिए कुकिंग करता हूँ, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए भी आपके लिए भी, ताकि आप जो है अपनी मम्मी का हाथ बताया करें। और उसके साथ ही अपने अपना और अपने सब घर वालों का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।